मतलब होता है जो सपोज एक डेड एनिमल है या फिर सपोज लायन ने एक एनिमल को किल कर दिया है तो कोई और एनिमल आएगी उस डेड बॉडी को खा जाए, वैसे टाइप ऑफ एनिमल्स को स्कैवेंजर्स बोलते हैं एक्चुअली। नॉट ओनली लायन का एग्जांपल, अगर कोई डेड बॉडी पड़ा होगा एक एनिमल का, वो जो स्कैवेंजर्स होते हैं वो टाइप ऑफ एनिमल्स आके उन्हें खा लेते हैं। सो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स, बट जानते हो जो ये कार्निवोर टाइप्स ऑफ एनिमल्स जो हंट करते हैं दूसरों के लिए, ये कुछ इनमें से कुछ ग्रुप्स पैक में आते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ ऐसे ही खतरनाक पैक हंटर्स विच एग्जिस्ट इन आवर वर्ल्ड। चींटी इतनी छोटी होती है कि लाइक आप उसे अपने हाथों से मसल सकते हो, लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग इज चींटी। लाइक चींटी क्या ही कर लेगी आपको, जब वो एक होती है, दो होती है, मैक्सिमम पांच छह होती है, तब तक आप संभाल सकते हो। बट जब आपको समथिंग अबाउट 1 लाख चींटी काटे तो, या फिर समथिंग अबाउट 10,000, लाइक 10,000 टू 1 लाख चींटी आ जाए, लाइक आप तो उनके सामने पूरे छोटे पड़ चुके हैं ना। सो दिस इज द नंबर 1 पैक हंटर विच इज इन अ हिट लिस्ट। सो इनका तो आपने देखा ही होगा लाइफ साइकिल, लाइक ये अपने लाइक अपनी रानी क्वीन एंड बहुत सारी अंडे देती है, उसकी वजह से बहुत अच्छी चींटी है हमारे दुनिया में। लाइक कंपैरेटिवली ह्यूमन्स और चींटी का ऑलमोस्ट सेम ही रेशियो है इन द वर्ल्ड। सो ये जो चींटी है इनका ना एक्चुअली स्पीसीज भी ना बहुत ज़्यादा है, बहुत किस्म के चींटी होते हैं एंड उनमें से हर एक चींटी एक्चुअली पैक हंटर्स होती है। ये है हाइना। लाइक यस, हाइना एक ऐसी कार्निवोर मैमल है जो यूजुअली लाइक इसका जो फैमिली है वो है हाइड्रेंडिया। सो ये बहुत ही लाइक इसके बहुत सारे एक्सटेंट, देयर आर ओनली 4 एक्सटेंट स्पीसीज नाउ इन द होल वर्ल्ड एंड यू नो इनका पास ना बहुत ही लाइक गुड स्टैमिना वाला हार्ट, लाइक इट दे हैव अ बिग हार्ट, लाइक नॉट ट्रूली सेंस वाला, मीन्स बायोलॉजिकली उनका बहुत ही बिग हार्ट होता है जिसकी वजह से दैट स्टेट्स एक्चुअली कि इनका जो स्टैमिना है वो बहुत ज़्यादा है एंड दे एक्चुअली यूजेस साउंड, लाइक वो साउंड बनाते हैं अपने ग्रुप को अलर्ट करने के लिए कोई आसपास है हमारे पास। एंड डू यू नो ये जो हाइनास होते हैं ये अप टू 100 तक अपने ग्रुप बना सकते हैं। लाइक कैन यू एवर इमेजिन कि जो हाइनास होते हैं देर आर समथिंग अबाउट 90 to 100 हाइनास अराउंड यू, तो आप तो छोड़ ही दो, वहाँ से भागना चाहिए आपको, लाइक लिटरली वैसा केस होता है। वुल्व्स, लाइक यू कैन सी इन द वीडियो ऑल्सो, वुल्व्स हम हमेशा से मानते रहे वो आऊ वाला वुल्फ, बट नॉट ओनली दैट बट वुल्व्स हैव अ वेरी गुड फीचर दैट दे कम इन ग्रुप्स। यू नो ये जो कैनाइन एनिमल्स होते हैं ग्रुप्स में क्यों होते हैं, बिकॉज इंडिविजुअली ये भले थोड़े वीक हो बट ग्रुप्स में आने से इनको ये फायदा है कि अगर कोई एक भी जख्मी हो जाए दूसरा आके दे जस्ट ग्रैब ऑन, लाइक वो जो प्रिडेटर जो उनका प्रे होता है ना उसको छोड़ते ही नहीं है, वैसे टाइप ऑफ प्रेडेटर्स ही हैं। एंड दे एक्चुअली दिस वुल्व्स आर वेरी मच नेटिव टू यूरेशिया एंड नॉर्थ अमेरिका, ये स्पेशली वहाँ पर पाए जाते हैं ना स्पेशली, बट उधर मोस्टली पाए जाते हैं। एंड जो नॉर्मल वुल्व्स होते हैं वो 105 टू 160 सेंटीमीटर्स तक होते हैं एंड लाइक मेजर में, एंड इन लेंथ ये 80 to 85 सेंटीमीटर के होते हैं। सो यस एंड दे आर लाइक अ नॉर्मल डॉग आप बोल सकते हो, सो उनका थोड़ा सा हाई फॉर्म है ये वुल्व्स, दे आर वेरी कनिंग ऑल्सो। सो ये जो वुल्व्स होते हैं ना ये इनका पैक होता है समथिंग और 10, यस 10 वुल्व्स एक साथ जाके आपको अटैक करेंगे। ओके आपने डॉग्स तो देखे होंगे, सो ये उनके थोड़ा हाई वर्जन्स है यू कैन से। तो दीज आर अफ्रीकन वाइल्ड डॉग्स, सो वाइल्ड के मतलब आप समझ ही गए, दे आर डॉग्स विच आर लिव इन
लाइक फॉरेस्ट एंड वो कोई नॉर्मल डॉग्स तो है नहीं, लाइक जैसे नॉर्मल डॉग्स को थोड़ा पत्थर मारो तो डर के जाएगा, ये आप पत्थर मारोगे उल्टा आपको काट लेगा। सो यही सबसे मेन डिफरेंस है इन दोनों में। एंड ऑफकोर्स दे आर वाइल्ड इन नेचर एंड उनका जो पैक होता है वो समथिंग और 10 लाइक वुल्व्स, वो भी 10 इन नंबर्स में आते हैं। एंड इंडिविजुअली भले ही थोड़े से लो हो बट पैक में आने से बहुत हाई हो जाते हैं। हमेशा जो बर्ड्स हैं कभी कभी फ्लॉक में देखा होगा, लाइक शाम के वक्त घूमते रहते हैं, बट यू हैव एवर इमेजिन लाइक वो फ्लॉक्स में क्यों जाते हैं? बिकॉज दे हैव टू गो, सपोज उनको अपना घर जाना है तो वो एक लाइक अपनी दिशा ढूंढते हैं। बट यू हैव मीन्स आप कभी इमेजिन कर सकते हो लाइक बर्ड्स कैन, वो प्रेडेटर्स बर्ड्स, ऑफकोर्स हर बर्ड तो लाइक दूसरे बर्ड को नहीं खाता या फिर हर बर्ड हर्बीवोर टाइप्स का नहीं होता, तो जो प्रेडेटर टाइप्स बर्ड होते हैं लाइक वाइज हॉक, सो दिस इज द हैरिस हॉक जो पैक में आते हैं। लाइक हैव यू एवर इमेजिन एक बर्ड जो पैक में आ रहा है, लाइक अपने साथियों के साथ आ रहा है सिर्फ एक चीज को खाने के लिए? यस, बर्ड्स आर ऑल्सो वेरी वायलेंट इन दिस नेचर एंड इसका पैक कंसिस्ट करते हैं समथिंग अबाउट 2 to 6 या फिर उससे ज़्यादा हो सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली। एंड ये एक मीडियम साइज का हॉक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं बड़ा या बहुत छोटा नहीं है, एक मीडियम साइज का। एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज द बे विंग्ड हॉक और डस्टी हॉक, सो इसके नाम से भी बुला जाता है इसको। एंड लैटिन अमेरिकन में, अमेरिका में इसे बोला जाता है प्यूको, यू कैन इट इज नोन एज इन लैटिन अमेरिका एज प्यूको, PEUCO. So it is actually breeds in southwestern United States south to the Chile. So जो Chile है उसके south में ये usually पाए जाते हैं, in Argentina and Brazilia also. So Brazil and Argentina में usually पाए जाते हैं. And some of them have reported कि Europe में भी दिखाई दिए हैं, western Europe. So these are some of the amazing predators which come in pack. Like predators आपको तो lion देख के जो डर लगता है, but ये लोग तो पैक में आते हैं, ये थोड़ा बहुत खतरनाक होते हैं। एंड आप बस इन लोग को छोटा मत समझेगा, लाइक वाइज इस हॉक को, बिकॉज दे आर वेरी मच डेंजरस क्लॉक के साथ। सो हियर वाज़ द वीडियो अबाउट, थैंक फॉर वॉचिंग दिस एंड बाय।